टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी को लगातार मोबाइल गुमने संबंधी आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे थे, जिन पर कार्यवाही करते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा साइबर सेल को गुम हुए मोबाइलों को खोजने हेतु निर्देशित किया गया था। पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम के मार्गदर्शन साइबर सेल टीम द्वारा गुम हुए कुल 82 मोबाइल जिनकी कीमत लगभग 17 लाख रुपए है खोजे गए। वहीं सभी गुम हुए मोबाइलों को खोजकर आज गुरुवार पुलिस कंट्रोल रूम टीकमगढ़ में एक कार्यक्रम आयोजित कर पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी द्वारा संबंधित मोबाइल स्वामियों को वितरित किए गए। इसी के साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड के अंतर्गत राजकुमार पिता रामकिशोर चौरसिया निवासी डोंगा रोड टीकमगढ़ के 59641 एवं हर कुंवर पति राजू अहरवार निवासी उदयपुरा थाना लिधौरा के 49,000 ऑनलाइन फ्रॉड तरीके से निकाली गई राशि को वापस आवेदकों के बैंक खातों में जमा करवाए गए। साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता की एक वर्कशॉप आयोजित कर पंपलेट भी लोगों को वितरित किए गए। वहीं उक्त कार्यवाही में पुलिस साइबर सेल की टीम एवं टीकमगढ़ जिले के थानों में पदस्थ समस्त थाना प्रभारियों एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा। 82 मोबाइल खोजे जाने पर पुलिस अधीक्षक द्वारा साइबर सेल की टीम को नगद इनाम से पुरस्कृत किया गया। मयंक रहमान और मुकेश ने बहुत ही शानदार कार्य किया। इसमें कुल 17 लाख के 82 मोबाइल आज मिले हैं, जो हम मोबाइल धारकों को लौटा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त 2 साइबर फ्रॉड हुए थे, उसमें 1,08,641 रुपये की राशि, वो भी हमने ब्लॉक करा के उनको, जो भी धारक थे उनको राशि लौटाई है। और इसी के साथ सभी को हम ये संदेश देते हैं कि साइबर फ्रॉड से सावधान रहें, अपना OTP और निजी जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी निजी जानकारी ना डालें। और सभी से पुनः चाहेंगे कि मोबाइल में आपकी बहुत निजी जानकारियां रहती है, तो उसका ख्याल रखें। तो कितने साल पुराने मोबाइल? बिल्कुल पिछले साल से अभी तक के हैं, कुछ 2022-2023 के, ये कुल 82 मोबाइल। टीकमगढ़ से UD न्यूज के लिए अरमान हफीज की रिपोर्ट।